मनाएंगे व्रत की आलू की सब्जी। इसके लिए हमने ये 3 से 4 आलू उबाल के इस तरह से पीसेस में काट लिए हैं। गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा ले, इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी को गर्म होने दे। घी गर्म हो चुका है, इसमें ये गोटा धनिया 1/2 चम्मच करीब डाल दिया है। इसमें ये 1/2 चम्मच अदरक और हरी मिर्च क्रश किया हुआ भी डाल दे, धनिया का थोड़ा कलर चेंज हो जाए। मिक्स करें। ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। इसमें 2 चम्मच पानी डाल के घोल ले। अब इस घोल को इसमें डाल दे। इसे भी साथ में सेक ले। इन मसालों को भून के अब इसमें ये 1 पीसा हुआ टमाटर डाल दे। टमाटर को भी सेक ले। टमाटर का पानी सूखने तक इसे सेके। इस तरह से टमाटर सूख चुके हैं। घी हमने बहुत ज्यादा नहीं डाला है। अब इसमें ये 1 टेबलस्पून दही डाल दे। दही को भी साथ में चला ले। हल्के हाथों से मिक्स करें। दही को थोड़ा सेक ले। ये दही इस तरह से हो चुका है। अब इसमें एक ये उबला हुआ आलू चूर दे। बाकी ये कटे हुए आलू डाल दे। इस तरह से हमने काट लिया था। एक आलू चूरने से इसमें सब्जी ये लिपटवा सी हो जाएगी। आलू को साथ में मिक्स करें। 2-3 मिनट आलू को इस तरह से सेक लें। अब इसमें ये पानी डाल दें। पानी जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से डाल लें। इसमें थोड़ा गीला ही अच्छा लगता है ये सब्जी। अब इसमें ये सेंधा नमक डाल लें। व्रत में जो नमक खाते हैं नमक डाल लें। सब्जी में उबाल आने दें। सब्जी में उबाल आ चुका है, इसे धीमी आंच पे कर दे। इसे करीब 1 से 2 मिनट उबाले। सब्जी हो चुकी है। अब गैस को बंद कर दिया है। इसमें थोड़ी हरी धनिया की पत्ती डाल दे। करीब 2 चम्मच डाले नींबू का रस। खट्टा आप जितना खाते हो उस हिसाब से डाल ले। इन सबको मिक्स करें और सब्जी रेडी है। अब इसे सर्व करें। ब्रेड की आलू की सब्जी रेडी है।